धार जिले के आखिरी छोर पर बसे कोटेश्वर तीर्थ में आज भूतड़ी अमावस्या के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्राचीन तीर्थ कोटेश्वर में स्नान कर पूजन के लिए आते हैं। बता दें कि भूतड़ी अमावस्या को लेकर जनमानस में यह भावना है कि इस दिन मां नर्मदा के जल में स्नान करने से भूत प्रेत जैसी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। वैसे तो मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही सभी दोषों का नाश हो जाता है। भूतड़ी अमावस्या पूर्वजों के समय से मनाई जा रही है। आज से गणगौर माता की पूजा कर घर घर माता का झालरियो गाया जाएगा। चैत्र नवरात्र के इस पावन पर्व पर आज कोटेश्वर तीर्थ में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ है। यह त्योहार गणगौर माता के नाम से प्रसिद्ध निमाड़ और मालवा प्रांत में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसी को लेकर और भूतड़ी अमावस्या का ये पावन पर्व एक मान्यता के हिसाब से भूतड़ी अमावस्या के इस पर्व पर स्नान करने माँ नर्मदा के तट पर आकर स्नान करने से सारी भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती है और उसी को लेकर श्रद्धालुओं की यहाँ काफी भीड़ है और माताएं जो कि यहाँ का एक सांस्कृतिक रूप है जिसे शरीर में माताएं आती है महिलाओं के पुरुषों के ये मान्यताएं हैं और उसी क्रम में आप देख सकते हैं उधर काफी हद तक काफी संख्या में माताएं अपने पर्व को धूमधाम से मनाते हुए हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे मां नर्मदा घाट निर्माण एवं संरक्षण समिति के सदस्य जो कि प्रतिदिन यहाँ लोग जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं उनकी सेवा में चाय प्रसादी और पानी की व्यवस्था प्रतिदिन इनकी ओर से निशुल्क रहती है। हम यहाँ पर मौजूद जो घाट निर्माण संरक्षण समिति के सदस्य है उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं इनके द्वारा घाट पर निरंतर रहती है। मेरा नाम राघव पाटीदार है, मैं निसरपुर का रहवासी हूँ। इस कोटेश्वर घाट पर सारी व्यवस्था माँ नर्मदा घाट निर्माण समिति की ओर से यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर चाय प्रसादी की व्यवस्था व ठंडा आरओ जल की व्यवस्था यहाँ पर समिति की ओर से निशुल्क सेवा रखी जाती है। लगभग प्रतिदिन ऐसे तो श्रद्धालु यहाँ पर आते ही है, नर्मदा का किनारा है, लेकिन आज इस अमावस्या पर्व पर लगभग कितनी संख्या में लोग आने की उम्मीद है? आज यहाँ पर गणगौर के पावन पर्व पर यहाँ पर 5-7 हजार पब्लिक का अनुमान, एक अनुमान से यहाँ पर 10,000-7,000 पब्लिक के लगभग यहाँ पर कोटेश्वर घाट पे आज आ सकती है।